थोड़ा सा वैसा हो गया है। यहाँ पे इन्होंने गुआवा रखा है, यहाँ पे अनार है। शेयर करूँगी, मेरे पास ऑलरेडी इसकी वीडियो है। लेकिन अभी ये नहीं, पहले खाऊंगी मैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि मैं अक्सर लापरवाही कर जाती हूँ, तो अभी इसको मैं थोड़ी देर बाद में खाऊंगी। चाय बन गई है तो पहले चाय पीऊंगी, उसके बाद फ्रूट्स खाऊंगी। मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा गया है। देखो मेरे उठने से पहले ही, तभी तो ये बनाना ऐसा हो गया है, बनाना थोड़ा सा वैसा हो गया है। यहाँ पे इन्होंने गुआवा रखा है, यहाँ पे अनार है, और ये है ऑरेंज। बट ये अभी नहीं खाऊंगी, सुबह सुबह मेरे से नहीं खा जाता जब तक कि चाय नहीं पी लूँ। तो चाय लूँगी मैं, और इन्होंने अपने लिए बनाई थी पास्ता। देखिए पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे पास ऑलरेडी इसकी वीडियो है। तो थोड़ा सा मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा सा लूँगी। इसमें क्या है, तो पहले चाय पियेंगे, चाय पीने के 15-20 मिनट के बाद फ्रूट खाएँगे, फिर देखते क्या है। देख सकते हो ना हमारी बालकनी में इतना सारा, अगर मैं बालकनी में बैठ के वीडियोस बनाती हूँ तो यही होता है। पता है क्या, जूस मेरे मन से हट गया एकदम से, बिल्कुल भी मन नहीं होता जूस पीने को। तो थोड़ा मिक्स फ्रूट कर लेती हूँ ना तो खा लेती हूँ। अभी सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है अंगूर। अंगूर वो मतलब जो बड़ा वाला अंगूर आता है ना रेड कलर का, इतना टेस्टी होता है कि जो ब्लैक और ग्रीन वाला होता है वो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट जो रेड वाला होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मुझे लगा कि वो अंगूर नहीं है, पनियाला है, बट जब मैंने गूगल किया तो नहीं, सच में अंगूर ही था वो। कुछ होता है तो मैं खा लेती हूँ। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करने के 1-2 घंटे के बाद से मैंने यहाँ पे लंच बनाना शुरू किया था। तो लंच में मुझे बहुत ही सिंपल खाना बनाना था, मतलब हल्का खाना बनाना था। तो मैंने सोचा चलो ब्रोकली बना लेते हैं। तो ब्रोकली आलू की भुजिया जैसी मैं बनाऊँगी, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह डालोगे ना तो उतना बेनिफिशियल नहीं होता ये। तो वैसे जो मैं डाल रही हूँ ये भी तो उतना बेनिफिट्स नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना इंडियन फैमिली का एक स्वाद होता है, तो उस स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हम। तो ब्रोकली तो खाना है बट उसको थोड़ा बहुत अपना तड़का तो लगाना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लहसुन मिर्च का तड़का देती हूँ, उसके बाद से ब्रोकली डाल देती हूँ, और उसके बाद हल्दी नमक डाल देना बस, कुछ और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसको बस मिक्स कर देना है, पकने के लिए छोड़ देना है, धीमी धीमी आंच पे इसको बना लेना है। जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो बंद कर देना है इसको। तो ये हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी मूंग दाल, लेकिन मूंग दाल इसलिए भी बनाना था कि अरहर की दाल काफ़ी दिन से, 3-4 दिन से लगातार खा रहे थे, मसूर और अरहर खा रहे थे। तो मूंग दाल ऐसी होती है ना कि अगर आपको दोपहर में खाना खाना है तो मूंग दाल बना सकते हो, या फिर रात में इंस्टेंट खाना खाना है, लाइक आपको 9 बजे खाना है तो 8:30 बजे बना रहे तो बना लो, लेकिन 2 घंटे अगर रख के खाओगे ना तो अजीब सा हो जाता है। तो ये दाल ऐसी होती है कि तुरंत बनाओ और तुरंत खाओ, तब तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन अगर रख के खाओगे तो उतना मज़ा नहीं आता है। मुझे वैसे इतना पसंद नहीं है, बट हेल्दी के चक्कर में खा रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें हल्दी नमक डाला है, आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, हींग से टेस्ट इसका अच्छा होता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसलिए सिंपल सा बस बनाना है मुझे। तो यहाँ पे दाल भी मैंने चढ़ा दिया है, साथ में सब्जी भी बन रही थी, तो इसको फ्राई करके देख सकते हैं। वैसे ये कढ़ाई थोड़ी सी चिपकती है, तो ये स्टील है बट स्टील पतली वाली स्टील है ना, तो स्टील में थोड़ा चिपकता है, लेकिन इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से फ्राई हो गया था वो। एल्यूमिनियम में अगर बनाओगे या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, लेकिन थोड़ा तो स्टील में होता ही है, और स्टील अच्छी वाली क्वालिटी की होती है ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, ये भी मैं फैक्ट बता रही हूँ।
तो वहाँ पे हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई थी, दाल भी बन गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगाऊंगी और सिर्फ इसमें मैंने डाला है लहसुन और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, वो भी कलर के लिए। और इसमें कोई लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन का तड़का दिया था। तो यहाँ पे दाल हमारा रेडी हो गया है और साथ में सब्जी बन गई है। रोटी तो सुबह हमारी कुक ने बना दिया था, तो बस हमारा दोपहर का लंच रेडी हो गया है। साथ में मैंने मूली कट कर लिया था, नितिन को पूरा सलाद चाहिए होता है, जैसे कि उसमें चुकंदर हो, मूली हो, गाजर हो, खीरा हो, सब कुछ मिक्स करके पूरा एक मतलब बाउल भर का बनाते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि वो लंबी कटी हुई मूली ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर सर्कल में कटा हुआ खीरा अच्छा लगता है, वो जो छोटे छोटे पीसेज मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा कि लंबे लंबे कट कर लेती हूँ फटाफट और ये अपना लंच रेडी कर लेते हैं। तो अभी मूवी चल रही थी तो मूवी देख रहे थे और हमारा लंच प्रिपेयर हो गया, तो मैंने बोला चलो फटाफट खा लो, नहीं तो फिर वो होता है ना कि अगर बैठ जाओ ना तो लेट हो ही जाता है। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में दिखा देते हैं कि चार पाँच दिन से ऊपर हो गया ये सब काम मेरा पूरा किचन का फैला हुआ था। अभी मैंने सोचा था किचन के अंदर की डीप क्लीनिंग करा लेती हूँ, और डीप क्लीनिंग लाइक मैं खुद भी करूँगी, साथ में मेरी हाउस हेल्पर करेंगी। मैंने किसी इस बार बाहर से नहीं बुलाया किसी को, हमेशा अर्बन से बुक करा लेती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा अर्बन वाला सिर्फ सफाई करके जाएगा, डिब्बे वगैरह नहीं साफ़ करेगा और अच्छे से नहीं साफ़ करेगा। तो मैंने सोचा जब सामान निकल ही गया है तो पेस्ट कंट्रोल करा लेती हूँ। तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया था तो उन्होंने, ये देख सकते हो ना, ये ट्यूब का जो ब्राउन कलर का लिक्विड है ना, ये हर कैबिनेट के अंदर उन्होंने लगा दिया था। उसके बाद स्प्रे लेके आए थे, तो जहाँ जहाँ ओपन था वहाँ पे उन्होंने स्प्रे किया था, और जहाँ मतलब सामान रखा था वहाँ पे नहीं किया था, बट गलती से नीचे के जितने भी कैबिनेट में सामान रखे थे सब में उन्होंने कर दिया था। बर्तन था तो उन्होंने बोला बर्तन ये इस्तेमाल करेगा तो धो लेना, बट उन्हें मैं बाहर निकल गई थी, सीढ़ी पर बैठ गई थी बाहर जाके, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारा सामान ख़राब हो गया है, रखे रखे सब ख़राब हो गया है। तो ये तो कभी बना ही नहीं था, ये आया था कहीं से लेकिन आज तक बना ही नहीं था, पूरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने कभी बनाया ही नहीं इसको, और ये गलता भी नहीं था तो इसलिए मैंने कभी बनाया नहीं। तो मैं सीढ़ी पे जाके बैठी थी, उतने टाइम में उन्होंने पूरा सारा का सारा जितना भी स्प्रे था बर्तनों पे कर दिया। उन्होंने बोला कि आप बर्तन जब क्लीन करोगे ना तो ऐसे साफ़ कर लेना। अब उन्हें कौन बताया कि बर्तन मैं खुद तो धोती नहीं हूँ, सारे बर्तन की वजह से पूरा सब सफाई करवानी पड़ी, और ऊपर का थोड़ा सा डिब्बे वगैरह सब सेट किया है और इसके ऊपर वाले में कुछ भी नहीं रखा खाली। तो यहाँ डेली डेली बेचारी जो काम करती है ना उसको सारा काम बढ़ता चला जा रहा था, तो डेली डिब्बे बर्तन कुछ भी कुछ उसको मतलब हर दिन का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ रहा था, तो सब करके चली जाती है। बाकी काम मेरा रहता है, उसको सुखाना, फिर अपनी जगह पर लगाना, ये सब काम मेरा होता है। तो नीचे जितने भी भारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल थोड़ा वैसा होता है लाइक दाल चावल आटा ये सब चीज़ें होती हैं, तो मतलब दाल को सारे ऊपर रखे हैं, चावल आटा चीनी और एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो सब चीज़ें नीचे रख दिया है। तो ऐसे ही करके मैं लगा रही थी खाना खाने के बाद से। तो हमारा काम ऐसे ही आजकल चल रहा है, किसी तरीके से काम निपट जा रहा है, वही बहुत है। तो या तो मैं करती हूँ या तो नितिन करते हैं, अभी फ़िलहाल कोई है नहीं जो करेगा ये सब चीज़ें, तो हम दोनों ही मिलकर अपना कर लेते हैं। तो ये मेरा सामान हो गया था, नितिन ने बोला भी था कि इस बार दिवाली की सफाई मत कराओ, बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लगा कि नहीं कराऊंगी तो और सर में ऐसे लगेगा कि मतलब पता नहीं क्यों गंदगी देख के ऐसे लगता ना सर घूमता रहता है मुझे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे। तो ये चाय की पत्ती वगैरह थी, एक किलो मैंने लेके आई थी, तो इसको मैं पैकेट में रखूँगी तो ख़राबी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि डिब्बे में रख लेती हूँ। पहले मैंने इसको ग्लास जार में रखा हुआ था, लेकिन अभी सारे ग्लास जार मेरे सामान से भर गए थे, तो इनको प्लास्टिक वाले कंटेनर में ही रख दूँगी, और ये दो कंटेनर भर के हो जाएगा एक लीटर, मतलब एक किलो चाय की पत्ती दोनों कंटेनर भर के हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको सारी जितनी भी प्लास्टिक में जितने सामान आए थे ना, एक दिन रात में सारी ग्रॉसरी आई थी, पूरा बोरे भर के था। तो हमेशा हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस बार हम ग्रॉसरी लेके आए थे अपना, और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कंटेनर मैंने भर के रख दिया है। इससे पहले मैंने ये चायस की चाय मंगाई हुई थी, तो चायस की चाय का क्या है ना कि आपको अदरक इलायची अलग से नहीं डालनी होती, सब कुछ इसमें मिक्स रहता है। तो मैंने सोचा कभी आधा इसमें भरा हुआ है थोड़ा सा ये वाली चाय पत्ती, क्योंकि जाहिर सी बात है इस चाय पत्ती के चाय उसके आगे तो कोई भी चाय पत्ती बीट नहीं कर सकती ना, तो मैंने सोचा दोनों का टेस्ट मिक्स कर देती हूँ
अच्छा टेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर एक वाला एकदम सिंपल बनेगा। एक वाले में क्या होता है, अदरक इलायची कूटनी पड़ती है, चाय में अपना अलग फ्लेवर आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स आते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अदरक इलायची वाले मंगाए थे, इसको डेली यूज़ के लिए मैं रखती हूँ इसमें, तो यहाँ पे रख दूँगी। और ये सारा सामान मेरा नीचे ये जो कैबिनेट बने हैं उसमें मैं सेट करके लगा दूँगी। सो गाइस, अभी थोड़ा बहुत किचन का काम किया है, जितना रिकॉर्डिंग था उससे कहीं ज़्यादा ही काम हुआ है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ से काम नहीं हो पाता है। तो मतलब डिब्बे वगैरह तो सारे ही धुल गए हैं, मतलब जो मेरी हाउस हेल्प है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर दी अभी फ़िलहाल। तो मैंने बोला था कि इस बार किचन का डीप क्लीन थोड़ा पहले ही कर दो, जिससे क्या होगा कि दिवाली तक ये सब काम निपट गए रहेंगे ना, तो लगता है कि मतलब किचन के काम जो ख़त्म हो जाते हैं तो समझो बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे दूध रेडी हो गया है और इसमें मैं ताज़ा दूध ताज़ा मलाई डालूँगी नितिन वाले में, मुझे मलाई नहीं चाहिए तो मुझे प्लेन दूध चाहिए। पहले तिनका ये डाल दो भैया, बॉर्नविटा, तो बॉर्नविटा इसमें रख रहा है। तो यार यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है ना, मेरा मलाई मैं निकालती हूँ उसके लिए, दही सॉरी घी बनाने के लिए, दही कह रही हूँ घी बनाने के लिए, और नितिन मलाई चाट चटपट हाथ से नहीं निकालता मैं, प्रो टेक्नोलॉजी यूज करना है, दैट इज एक्चुअली अ बैड हैबिट यार, उससे तो पूरा मेल्ट हो गया। चलो हो गया, अब इतनी लेनी ज्यादा नहीं लेनी, मेल्ट हो गया कैसे निकलेगा, वो बाद में निकल आएगा, सुबह खा लूंगा। मुझे जो चाहिए वो मैं आज लूंगी नहीं, मैं पीती हूँ, ये बता नहीं सकती मैं क्या, हो गया मेरा, हो गया मेरा, थोड़ा डाल लो, ज्यादा ही मीठा हो गया, डाल दिया इनके उसमें, इसमें कोई आके केस मत कर देना, ड्रग्स नहीं है, ये है मिल्क मिल्क पाउडर, अपना ये कर लो फिर मेरा बिना बिना, बैकग्राउंड में इतना कॉपीराइट आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति का, तो मैं देखता ही हूँ उसमें, तुम्हारे से नहीं मतलब है भैया, कहाँ रखनी है, ऊपर रखनी है शेल्फ ऊपर, किधर किधर ऊपर, अरे शेल्फ में तुम्हारा अंदर मेरा घर, थोड़ा चीनी भी डालूंगा मैं, ये पूरा प्रॉपर मीठा नहीं होता ना, ये मेल्ट भी नहीं हुआ, हो जाए, वो लल्ली हो जाए, थोड़ा सा मेरा में शुगर मत डालना, ऑलरेडी शुगर वाले, हाउ लल्ली, हाउ लल्ली, ये देखो मेरा मेरा भी तो मिला, ये ग्रीन क्या हो गया कलर, अरे वो अलग कलर गिर गया होगा,